हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और इसमें हम जाएंगे एक और नई जगह जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी होगी, और बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में। फ़िलहाल मैं अभी तो रेडी नहीं हूँ, मैं तैयार तो होकर फिर आपको फिर से मिलूँगा। तो तब तक के लिए बाय, और बिल्कुल मैं तैयार होकर मिलता हूँ आपको सिर्फ 2 मिनट। तो मैं आपको बताना भूल गया था कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ था। तो ये देख लो जहाँ पे मैं लोकेशन में खड़ा हुआ था अभी। ये मेरे जो यहाँ पे रहता हूँ मैं, वहाँ का ये टेरिस है। और ये मैं ब्लर में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सस्पेंस रखना चाहता हूँ वीडियो में, और वीडियो में सस्पेंस ना हो तो मज़ा नहीं ना आता। बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आपको एक बार और इस लेक के दर्शन करा दिए जाएं। और हाँ दोस्तों, सो अभी हम पहुंच चुके हैं उस प्लेस पर जहां पर हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं एक टेंपल को, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसमें होगा। और प्लीज़ इस ब्लॉग को जो है वो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब, आई मीन ब्लॉग को पूरा शेयर कर दो, जिससे कि इस प्लेस की सारी जानकारी जो है वो दूसरों तक पहुंचाई जा सके। तो आ जाओ चलते हैं उस प्लेस पर जहां पर हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो ओके, फिर आ जाओ। जैसा कि आप इस प्लेस को यहां से देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक्चुअली ये बिल्कुल जो रोड है उसके बिल्कुल नीचे है। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो ये जो सारा एरिया है वो अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। तो हम है तो यहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट से है, लेकिन हम मेन गेट से जाएंगे जहाँ से कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये अभी हम पहुँच चुके हैं इस अशोक वाटिका के जो है वो बिल्कुल गेट के सामने। और ये देखते हैं, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है देवता शुकदेव ऋषि मंदिर तपोभूमि शुकदेव वाटिका। यहाँ पर जो है किसी ब्रह्म ज्ञानी ने जो है वो यहाँ पर बैठ के शायद तप किया होगा। तो आज हम इसको अंदर एक्सप्लोर करेंगे पूरा। दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन की जूते यहाँ पर उतारें। और अंदर चलो, मैं यहाँ पर जूते उतार के अंदर ले जाता हूँ आपको। सो कम विद मी एंड वॉच। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुफा है एक, और गुफा में शायद अलाउड नहीं है। और यहाँ पर यह मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल शिवलिंग है यहाँ पर।
इसकी तरफ मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया शायद। और उसके साथ में ही एक सरोवर है। और यहाँ पर शायद मछलियाँ आप देख पा रहे होंगे, इनविजिबल टाइप है। सो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली आपको। शायद यहाँ पर कोई शुकदेव मुनि जी थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा तप किया था। और बहुत ही अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी लेक के पास, वहाँ पर जो वो माइक्रोफोन की बहुत दिक्कत हो रही थी कि साउंड वहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने इसका रीज़न लिया, और बहुत बड़ा रीज़न था वैसे ही। और उसके बाद मैंने बिल्कुल माउंट तैयार कर दिया। मैं वीडियो के एंड में आप इसका पूरा जो माउंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे कैसे मैंने माइक्रोफोन्स फिट किए हुए हैं। और चलो फिर अगली जगह देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत खेलने के लिए बना हुआ है, लेकिन मैं सस्पेंस को ख़राब नहीं करना चाहता। सो सामने बहुत अच्छी चिड़िया बैठी है, शायद ये उड़े ना। चलो इसमें फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। और ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत खेलने के लिए बना हुआ है। और सीनरी इज़ वेरी अमेजिंग। हाय कर दो ऐसे, हाय कर दो ऐसे, वीडियो में हाय कर दो ऐसे। जो बिल्कुल बहुत अच्छी जो वाटिका ही लग रही है पूरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग जो थिंग्स रखी हुई हैं यहाँ बच्चों के लिए। थोड़ा सफाई का ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। शायद ये वाला काम जो है अभी वो कंस्ट्रक्शन पे चला हुआ है, अभी ये चालू नहीं है फुहारा। लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर्बल प्लांट है, हर्बल प्लांट ये तुलसी चाय में डालने के काम आती है, जैसे काढ़ वगैरह जुकाम वगैरह के लिए। और कई जैसे लेमन ग्रास भी लाई हुई है, पालमपुर से लाए हम ऊपर से। तो ये भी एक जैसे इसके किनारे मच्छर नहीं आते इसके पास में, और बंदर नहीं आते। और जैसे कई प्रकार जैसे हर्बल प्लांट हमारे पास है जो दवाई के काम भी आते हैं। और जैसे कि है हमारे गंदा का हुआ, चंडीगढ़ मिलाया हुआ, अच्छा अच्छा खुशबूदार प्लांट है। और कई पौधे कई ज़्यादा से हर्बल प्लांट है यहाँ पर, गुलाब
रात रानी वगैरह सभी चीज़ें हमारे पास में होता है। सो ये बोल रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे हर्बल प्लांट हैं और काफ़ी सारी दवाइयाँ भी यहाँ पर हम उपलब्ध करवा देते हैं। तो जैसे अगर किसी को चाहिए हो तो अशोक वाटिका सुंदरनगर में आप पता कर सकते हैं। तुलसी जो ओरिजिनल है बोई हुई है वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो पीछे देख ही सकते हैं एक्चुअली ब्राइटनेस बहुत है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे आकर। तो आज कुछ और चीज़ें जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं और बताता रहूँगा मैं आपको साथ साथ कि क्या क्या यहाँ पर घूमने को मिलता है, क्या क्या यहाँ पर हमें नॉलेज मिल रही है। नॉलेज तो यहाँ पर आपको पौधे की मिलेगी, जैसे बहुत से अच्छे अच्छे यहाँ पर प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज़ यहाँ पर हैं। एक मंदिर है जो जहाँ पर शायद उनका नाम भूल गया, तो उनसे रिलेटेड जो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आज वो कुछ और भी देखते हैं यहाँ पर, शायद कुछ और मिल जाए। और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने जो कैमरा है वो एक ट्री के अंदर फिट कर दिया है और ट्री से मैं अपनी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। तो बहुत अजीब जैसा लग रहा है यहाँ पर, छत टाइप आ गई है ऊपर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ट्री में कैमरा फिट कर दिया हुआ है। तो चलो आगे चलते हैं। और बहुत ही सुंदर प्लेस है, तो शायद मुझे अभी शायद इंस्टीट्यूट भी जाना पड़ेगा, तो मैं इंस्टीट्यूट में शायद परमिशन लेके आपको शायद मैं दिखा सकता हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश पूरी करूँगा। तो आपको कैसा लगा व्लॉग वो भी बताना, लेकिन अजी अभी मैं आपको और चीज़ें बहुत बताऊँगा कि इसके आउट साइड में क्या है, इसका शॉर्टकट रास्ता जहाँ से मैं भी आया वही है। तो आज देखते हैं आगे क्या क्या होता है। फाइनली मैं अपने रूम पहुँच चुका हूँ और काफ़ी कुछ देखने को मिला शायद मेरी वजह से आपको। और तो जैसा भी लगा ब्लॉग इसे प्लीज़ शेयर कर दें और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और चैनल सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा। तो हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, मुझे एक दो कमेंट्स आए थे पहले कि ये जो माइक की आवाज़ है वो बहुत कम आई थी पिछली वाली वीडियो में, तो मैंने इस वीडियो में जो है वो माइक की बहुत अच्छी सेटलमेंट कर दी है, तो देसी जुगाड़ लगा के ये सारा काम बन गया। तो आज जो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे मैंने ये जो देसी जुगाड़ है वो लगाया है। चलो आज देखते हैं। तो ये है वो देसी जुगाड़ इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ट्राइपॉड था पहले, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। मैंने फेविक्विक से इसके माउंट्स वगैरह जो है वो मैंने फेविक्विक से जोड़े हैं, देख रहे होंगे वीडियो में आप। तो इसकी जो मैंने थ्री लेग्स यहाँ पे थ्री लेग्स थी वो मैंने साइड में कर दी है, एक लात तो इसकी भी टूट चुकी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने इसको सेल्फी स्टिक की तरह इतनी सी जो स्टिक को हम यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंट लगा है और ये भी थोड़ा मैंने कट कर दिया है, माउंट अपनी जगह मैंने फिक्स कर दिया था। और आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाली चीज़, ये माइक है यहाँ पर, ये जो हेडफोन्स होते हैं, मेरे पास दो हेडफोन्स ऐसे कचरे में पड़े हुए थे तो मैंने वहाँ स्टोर से निकाले। और ये यहाँ पे मैंने ये हेडफोन मतलब हेडफोन का जो माइक है वो यहाँ पे किया, हेडफोन आगे से काट दिया है। और इससे देखो कि मैंने इसकी ये जो मैंने ये पिन रखी है इसी के साथ, और एक हेडफोन लगाया है मैंने बहुत ही अलग तरीके का, ये जो आप इसकी स्टिक के यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मैंने एक अलग तरीके का किया है। जो इसके नीचे आप ये वाली चीज़ देख रहे हैं जिसके ऊपर ये स्टैंड किया गया है, ये एक हेडफोन का जो आगे सॉफ्ट जैसा प्लास्टिक का लगा होता है
जिससे हमारे कान ना दुखें, उसको काट के मैंने फेविक्विक से इसके ऊपर चिपका दिया और उसके ऊपर माइक कर दिया है ताकि, और इसका ये वाला प्लग यहाँ पर है ताकि अगर हम नज़दीक से दूर से वीडियो शूट कर रहे हैं सेल्फी मोड में तो ये वाला माइक काम करेगा, और ये वाला जैक हमको लगाना पड़ेगा फ़ोन में, माउंट पे अगर फ़ोन लगेगा तो। अगर हम नज़दीक से वीडियो बना रहे हैं और किसी दूसरे पर्सन की वीडियो बना रहे हैं तो उसको माउंट को जब वो उस तरफ हम फोल्ड करके हमने क्या करना है कि सिंपल ये वाला जैक लगाना है यहाँ पर मोबाइल के साथ। तो ये मेरी एक सेल्फी स्टिक टाइप बन गई है, तो कैसी लगी है कमेंट कर देना। तो जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो माइक मेरी तरफ होता है और फ़ोन चाहे जितनी मर्जी दूर चल जाए चाहे मैं इसको कितना लंबा कर दूँ, लेकिन जो माइक है वो मेरे जो करीब रहता है, करीब एक फुट के आसपास, जिससे कि वीडियो में आवाज़ अब क्लियर आया करेगी। तो कैसा जैसा लगा आपको, और स्टिक की थोड़ी चलो शक्ल तो बदसूरत है लेकिन चलो काम चलाओ तो है, जब तक नया माउंट नहीं आ जाता या नया ट्राइपॉड नहीं आ जाता। चलो ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो लाइक करना और इसके बारे में ज़रूर अपना रिव्यू देना कि ये वाली चीज़ आपको कैसे लगी। 2-3 मिनट का जुगाड़ है वैसे तो मैंने अभी उसी देसी माउंट में जो है देसी जुगाड़ में अपना फ़ोन जो है वो पूरी तरह फिट किया हुआ है, अब मैं इसके ज़रिए भी बोल सकता हूँ। तो जैसी भी लगी वीडियो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये जो मेरे पास 2 स्टिक्स बची हैं इन स्टिक्स का मैं क्या करूँ, सोचूंगा इस स्टिक को, इस जो मैंने माउंट बनाया इसको शायद मैं थोड़ा लंबा कर सकता हूँ। तो चलो आप रिव्यू देना मेरे को कि इन 2 स्टिक्स का मैं क्या कर सकता हूँ और किस काम आ सकती है स्टिक्स, मारनी तो नहीं पड़ेगी किसी को। ओके, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो एंड रब सुख।